Hello everyone, how are you? Day 70, date 1/9/2021. Okay students, आपके exam complete हो गए. So good handwriting से आपने लिखा होगा and आपकी exam complete हो गई, over हो गई. So now today ENV chapter number 6, my school. Page number 37, 38, 39 and 40. Explanation hoga and write difficult words. So write down difficult words and explanation hoga. So date 1/9/2021. Next. Chapter 6, my school. My school. To bacho aap logo स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है. सो स्कूल आपके लिए, ये स्कूल जो है वो स्कूल के कैसे पार्ट्स है, कौन से रूम्स है, वो आज हम स्टडी करेंगे. सो स्कूल, द माय स्कूल, वी गो टू स्कूल टू स्टडी. वी गो टू स्कूल स्टडी, हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए. So we go to schools to study. पढ़ने के लिए. Our teachers teaches us for thing to our teachers. Our teacher क्या हम पढ़ाते हैं, सारे teachers है जो all subject के teachers है, आपको different different subject पढ़ाती है. गुजराती ले लो, गुजराती टीचर आपको गुजराती सिखाती है. मैथ्स टीचर मैथ्स का सिखाती है. जैसे सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और समझाते भी है. वी लर्न टू रीड एंड राइट द स्कूल. वी लर्न टू रीड एंड राइट, इट मींस आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है, समझना है, लर्न करना है. आप क्या कहाँ करते हो, वो विच प्लेस, दिस इज अ स्कूल. द स्कूल इज लर्न टू रीड राइट एंड राइट द स्कूल. हम स्कूल में पढ़ाते हैं और आप लोगों को बच्चों पढ़ना अच्छा लगता है, आप लोगों को स्कूल में भी आना अच्छा लगता है. सो स्कूल में आप लोग टीचर के पास रीड करते हैं, राइट करते हैं और समझते भी है. नेक्स्ट, दिस इज आवर स्कूल. द डिवाइन पब्लिक स्कूल जो हमारी है बहुत बिग है. ये ऐसे ही स्कूल का एक पिक्चर्स है. जिसे स्कूल में आपकी, आप बस में आते हो, आप स्कूल में आते हो, आपका क्लास में जाते हो, आप प्रेयर करते हो, ऑल ऑफ थिंग्स आप लोग स्कूल में करते हैं. ओके, नेक्स्ट, आई एम ब्लैंक. इधर आपको ब्लैंक दी है, आप लोगों को बच्चों ब्लैंक में आपको फिलअप करना है. सो फर्स्ट जब आई एम, तो आई एम आपको, आई एम में आपका नेम लिखना, नेम. ओके, ही या सी, गर्ल, जो गर्ल है अपने खुद का, अपना खुद का नेम लिखना है. ओके, और बॉय है, बॉय आपका खुद का नेम लिखना है. आई स्टडी इन ब्लैंक स्कूल. कौन से स्कूल में पढ़ते हो बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल. सो आपको ओनली राइट इन, आई स्टडी इन डिवाइन पब्लिक स्कूल, वो लिखना है. आई गो टू स्कूल बाय ब्लैंक. आई गो टू स्कूल बाय ब्लैंक. आई गो टू स्कूल, आप लोग जाते हो स्कूल में, बट कैसे आते हो, आप लोग ऐसे ही आ जाते हो वॉक करके? नो, बाय बस या आइदर योर पेरेंट्स आपको ड्रॉप करते हैं, पेरेंट्स ड्रॉप कर देते हैं, या आप बस में आते हो या ऑटो में, सो या वैन में. तो आप जो व्हीकल्स यूज करते हो, आपके पेरेंट्स लेके आते हैं,
आप बाय बस आते हैं, आप बाय वैन आते हो, जो व्हीकल में आते हो आप, वो आपको राइट डाउन करना है। तो सोरा, आई गो टू स्कूल बाय बस, वैन, या आपके पेरेंट्स ड्रॉप करते हो तो। ओके, नेक्स्ट, आई एम इन क्लास ब्लैंक सेक्शन ब्लैंक। आई एम इन क्लास, तो आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? फर्स्ट। सो राइट डाउन इन अ फर्स्ट क्लास। एंड सेक्शन में लिखना है बच्चों, जो ईवन में पढ़ते हैं बच्चे वो ईवन लिखेंगे, जो ई टू में पढ़ते हैं वो बच्चे ई टू लिखेंगे। सो आपको लिखना है फर्स्ट इवन या ई टू। जो बच्चे क्लास फर्स्ट इवन में है वो बच्चे क्लास फर्स्ट इवन लिखेंगे, और जो बच्चे क्लास फर्स्ट ई टू है उसके बच्चे वो बच्चे फर्स्ट ई टू लिखेंगे। ओके, द एड्रेस ऑफ माई स्कूल इज, जो आपके स्कूल का, हमारे स्कूल का एड्रेस है वो आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। डिवाइन पब्लिक स्कूल दांतेज, नौसारी। इसे शॉर्ट फॉर्म में ही आपको लिखना है। द टेलीफोन नंबर ऑफ माई स्कूल आर, द टेलीफोन नंबर ऑफ माई स्कूल आर, वो आप लोगों को खुद को फिल अप करना है। नेक्स्ट, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मेरी स्कूल मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक स्कूल, I like my school very much. मेरी स्कूल मुझे बहुत पसंद है। Next, see the picture. Students, see the pictures. The school rooms in my school. आपके स्कूल में कितने कितने rooms हैं? वो आज पढ़ रहे हैं। तो the rooms in my school. There are many rooms in my school. Rooms कितने हैं? बहुत सारे। Many rooms in my school. मेरे स्कूल में बहुत सारे rooms हैं। First of, principal's office. Principal's office, जो हमारी principal की office होती है, तो वो first आती है। Principal's office. My parents meet the principals in this room. आपके प्रिंसिपल की ऑफिस में आपके पेरेंट्स मिलने जाते हैं। Meet यानी मिलना। So my parents meet the principal in this room. ये रूम में, प्रिंसिपल ऑफिस की रूम में पेरेंट्स मिलने जाते हैं। Okay? So meet the principal in his room. It is called the principal office. उसको हम principal office कहेंगे। The principal office में parents मिलने जाते हैं, teachers मिलने जाते हैं, उनका work है वो वहाँ principal office के साथ, principal office में principal ma'am के साथ हम meeting करते हैं। Okay? Next, classroom. Yes, this is a favorite room. Classroom, it means हमारा वर्गखंड, जो हमारा classroom होता है, हमारा खुद का, आप लोगों का भी classroom है first standard का, जो आप लोग वो classroom में बैठते हो। So this is where I study and spend most of time. This is where. तो वो रूम क्या है, क्लासरूम क्या है बच्चों? जहां हम स्टडी, study, it means पढ़ते हैं, एंड
क्लासरूम में आप लोगों को समय वहाँ ज़्यादा बिताते हैं, वो रूम है क्लासरूम। और क्लासरूम में आप लोग क्या करते हो बच्चों? फ्रेंड्स के साथ खाते हैं, मिलते हैं, हाँ फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं थिंग्स, जो आपकी नोटबुक शेयर करते हैं आप, टेक्स्ट बुक बच्चों आप दोनों साथ में फ्रेंड्स के साथ बातें भी करते हैं। सो वो है रूम, दिस इज अ क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट वन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब, दिस पिक्चर इज कंप्यूटर लैब। ओके, एंड आई वर्क ऑन कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब। आई वर्क माय कंप्यूटर का जो वर्क है वो आप लोग कंप्यूटर लैब में ही करते हैं। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर यूज करते हैं एंड कंप्यूटर यूज करते आप कंप्यूटर का जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो आप स्टडी करते हो वो कंप्यूटर का स्टडी आप कंप्यूटर टेबल वर्क में यानी लैब में करते हो। नेक्स्ट वन लाइब्रेरी, दिस इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक होती है यानी पुस्तकालय। लाइब्रेरी इट मीन्स पुस्तकालय। जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है डिफरेंट, वो बुक्स अरेंज की होती है, बुक्स अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया होता है। सो देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। बुक्स में वहाँ बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में। आई बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड। वहाँ से आप बुक लेते हो, बोरो करते हो, किसके लिए? रीड करने लिए। आपको स्टोरी बुक भी रीड करनी हो, आपको कोई भी मैथ्स के जो डिफरेंट बुक्स आती है वो आप ले सकते हो। ग्रामर बुक के लिए आप डिफरेंट ग्रामर बुक के यूज कर सकते हो। सारी बुक्स वो वहाँ कहाँ मिलती है? लाइब्रेरी। ओके, एंड द लास्ट वन म्यूजिक रूम। म्यूजिक रूम यानी हमारे संगीत, जो संगीत का रूम होता है, गाने का जो रूम होता है वो है म्यूजिक रूम। देयर आर मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस रूम। बहुत सारी म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसके यूज होते हैं म्यूजिक के लिए, वो कहाँ मिलता है? म्यूजिक रूम में। दिस इज गिटार, पियानो, वायलिन, वो सब कहाँ हमको मिलता है? म्यूजिक रूम में। आई लर्न हाउ टू प्ले देम हियर। यानी हम वो कैसे खेलते हैं, कैसे उसको यूज होता है वो हम म्यूजिक रूम में सीखते हैं। एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू सिंग। गाना कैसे गाना है, कैसे राग ताल में गाना है वो भी हम म्यूजिक रूम में सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये जो रूम है, आज हमने प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एंड हमारा म्यूजिक रूम ही हम आज पढ़ेंगे। सी द पिक्चर्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफिस। तो प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत सारी बिग ऑफिस होती है। द ऑफिस इज नीचे क्लीन है और देखो ऑफिस में सब लोग मिले, पेरेंट्स मिलने भी आते हैं। दिस इज योर कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में बच्चों आप लोग कंप्यूटर सीखते हो, समझते हो और कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ते भी हो, स्टडी करते हो। दिस इज योर क्लास, दिस इज अ क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज ऑल्सो द कंप्यूटर लैब। लैब एक डिफरेंट टाइप का, कितना अच्छा और बड़ा लैब है जिसमें बहुत सारे मैनी कंप्यूटर्स होते हैं। दिस इज लाइब्रेरी रूम।
सब्जेक्ट वाइज बुक होती है। ओके, नेक्स्ट म्यूजिकल रूम। द म्यूजिकल रूम में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला है, ढोलक है, पियानो है, गिटार है, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एंड म्यूजिक रूम बहुत बड़ा और अच्छा दिखता है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हमने जितना रूम्स के लिए सीखा इतने ही हमको डिफिकल्ट वर्ड्स सुनने हैं। और बच्चों आपको डिफिकल्ट वर्ड्स 3 times लिखना है विद अ गुड हैंडराइटिंग। सो फर्स्ट वन SCHOOL, स्कूल। स्कूल इट मीन हमारी पाठशाला। SCHOOL, स्कूल। SCHOOL, स्कूल। टीचर TEACHER, टीचर। TEACHER, टीचर। टीचर इट मीन शिक्षक। LEARN, लर्न। लर्न यानी सीखना। LEARN, लर्न। लर्न यानी सीखना। WRITE, राइट। WRITE, राइट। राइट इट मीन्स लिखना। CLASSROOM, क्लासरूम। CLASSROOM, क्लासरूम। क्लासरूम यानी आपका वर्गखंड। SECTION, सेक्शन। SECTION, सेक्शन। सेक्शन इट मीन्स आपका भाग। जो क्लास में आप इवन क्लास में है आपका सेकंड, फर्स्ट इंटू है जो वो इवन इंटू है वो आपका सेक्शन कहलाता है। ADDRESS, ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस इट मीन्स आपका जो मेन जगह है, प्लेस है, उनका हमको रिटर्न करना है एड्रेस, उसको बोलेंगे हम एड्रेस। TELEPHONE, टेलीफोन। TELEPHONE, टेलीफोन। टेलीफोन इट मीन्स टेलीफोन। ROOMS, रूम्स। ROOMS, रूम्स यानी बहुत सारे वर्ग। PRINCIPALS, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यानी हमारे जो हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जो हमारे हमारे टीचर के ऊपर की जो टीचर होती है, मैम होती है, वो है प्रिंसिपल्स। COMPUTER, लैब। कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब इट मीन्स कंप्यूटर का क्लास। COMPUTER, LAB, लैब। LIBRARY, लाइब्रेरी। LIBRARY, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। BORROW, बोरो। BORROW, बोरो। MUSICAL, म्यूजिकल। MUSICAL, म्यूजिकल। INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट। INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड 3 times विथ अ गुड हैंडराइटिंग। ओके, थैंक यू।